लिखे हैं, तो वही पूछते हैं मेरे से, एक स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले बता दो अपने बारे में, क्योंकि सब हाँ तो मेरे चैनल पे हमको जानते हैं, तुमको कोई नहीं जानता। हाँ मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, मेरा नाम है आयुष कुमार शर्मा, मैं जयपुर से हूँ, और 16 मार्च 2022 को मैंने आपसे कोचिंग स्टार्ट की थी, और मैं अभी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी से स्पॉन्सर्ड हूँ, और TS रहमान में DNS कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ओके okay. मतलब डेट भी याद करके रखे हो यार तुम तो। एवरीथिंग वॉज इम्पोर्टेंट भैया। अच्छा, बहुत अच्छा। हम पहले तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लिया करते थे, अब तुम मेरा इंटरव्यू लोगे, है ना? ठीक हाँ है ठीक है, चलो पूछो क्या पूछना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत आते रहते हैं। हाँ भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसा आपने बताया था कि आपके घर परिवार आपके रिश्तेदारी में आसपास दूर दूर तक कोई मर्चेंट नेवी में नहीं था, फिर भी आपको इस फील्ड के बारे में पता कैसे लगा? देखो हुआ क्या ना, मतलब इस फील्ड के बारे में तो हमको पहले कभी सुने भी नहीं थे, मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। हम टीवी देखते थे तो डिस्कवरी पे एक चैनल आता, शो आता था स्वॉर्ड फिश करके, उस पे सब समुंदर में जाते थे, वहां पर मछली उछली पकड़ते थे, तो हमको मतलब अच्छा लगता था कि वहां पे तूफान आ रहा है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद से पता किए तो पता चला कि हाँ, एक इंडियन नेवी है और एक मर्चेंट नेवी है, ये दो फील्ड है ऐसा जिसमें हमको ये मौका मिल सकता है। अब दिख नहीं था, दिक्कत क्या था ना कि हमको नौकनी था, तो नौकनी की वजह से इंडियन नेवी में तो थे नहीं, हो नहीं सकता था, तो मर्चेंट नेवी का ही ट्राई कर रहे थे। अब उतना आइडिया भी नहीं था, तो जैसे तैसे पता करके IMU CET तो दिए। फिर IMU CET देने के बाद पता चलता है कि स्पॉन्सरशिप नाम का भी चीज होता है। जब हम किस्मत अच्छा था मेरा, मतलब एक HIMT इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम एडमिशन लेने जा रहे थे, तो मेरे भैया है एक, वो अपने फ्रेंड को कॉल किए, उनका एक फ्रेंड SCI में उस टाइम कैडेट था, तो वो उनसे कॉल करके बात किए, तो भैया के फ्रेंड बोले कि बोल दो कि DNS कर लेगा। फिर DNS के बारे में पता किए, तब जाके थोड़ा बहुत पता चला, तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किए। फिर उसी के बाद हम लोग के टाइम अगस्त, ये जनवरी बैच होता था, तो नेक्स्ट जनवरी बैच में एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, हो गया क्लियर, बस तो यही था। इस ऑफलाइन था सब कुछ उस टाइम पे आपने स्पॉन्सरशिप ली कैसे, क्या मतलब प्रोसेस बताओ। अच्छा हाँ, अभी तो ऑनलाइन होता है तो सब कुछ आराम से घर से हो जाता है। सबसे पहले तो मेरा दिक्कत ये था कि हमको DNS के बारे में कुछ पता था नहीं कि क्या होता है कैसे होता है, तो जब गूगल पे सर्च करते थे तो बहुत सारे कॉल्स भी आते थे, अलग अलग फ्रॉड कॉल्स ही बोल लो, कि मर्चेंट नेवी का ये कोर्स करवाएंगे हम लोग, ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे, तो वो सब तो ठीक था। एक दिन एक कोचिंग का कॉल आया, कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, वो कोचिंग का कॉल आया, वो बुलाया हमको, हम कानपुर गए। कानपुर में हम गए तो वहाँ पे इतना पैशनेटेड तरीके से बताया कि इतनी सैलरी होगी, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, हम एकदम खुश। उसी टाइम फी उसके हाथ में पकड़ा के, मतलब 15,000 रुपये डिपोजिट करना था और बाकी के 45,000 बाद में, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम, कोचिंग ज्वाइन करने के टाइम, इतना अच्छे से बताया हमको, क्या बताया, मतलब हमको लग गया कि मेरा उसी टाइम ज्वाइनिंग हो गया मचने। तो हम गए वहाँ पे, फिर वहाँ जाके पता चला कि ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े कोचिंग हैं, बड़ा तो कोचिंग नहीं था वो, मतलब वो बस वही पे था जो कि बच्चों को बेवकूफ़ ही बना रहा था। 60,000 रुपये में क्या प्रिपरेशन करवाएगा, कुछ नहीं होता है, बस दो तीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर बुलाते थे बाहर से। और हाँ ये ठीक था कि हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि DNS होता क्या है, कंपनीज के बारे में पता चल गया, क्योंकि उस टाइम हमारे टाइम पे यूट्यूब ये सब भी नहीं था, यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर नहीं था उस टाइम, तो कुछ नहीं पता चलता था, तो ले दे के वहाँ पे पता चला। फिर सबसे खतरनाक तब हुआ जब एक बार में, मतलब अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन है तो आज तुम इसका ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो, कल दूसरे कंपनी का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे टाइम पे जब स्टार्ट हुआ तो एक ही साथ हर जगह ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। एक तो मेरा लो PCM था, तो उसकी वजह से हम वैसे भी कम इंस्टीट्यूट में थे एलिजिबल। सबसे पहले IMI में गए, IMI वाले तो इतने अच्छे से बात करते हैं, मतलब फोन पे जब तक आप 2,000 रुपये नहीं पे करोगे एडमिशन, मतलब रजिस्ट्रेशन की, तब तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो IMI गए, इंटरव्यू दिए वहाँ पे, मतलब डेट आया था करीब 25-26 नवंबर का डेट था शायद 2017 में, तो
तो हम गए वहां पे, मतलब घर से, मतलब हम कोचिंग छोड़ चुके थे, मतलब 2 महीने बाद ही हम उस कोचिंग से वापस घर आ गए थे, क्योंकि फालतू में खर्चे हो रहे थे वहां पर, और हमको रियलाइज हो गया था कि हम गलती कर चुके हैं, तो रुकने का कोई फायदा है नहीं, तो घर पे खुद से ही प्रिपेयर कर रहे थे। तो फिर उसके बाद से IMI गए, IMI में जैसे ही अभी पहुंचे, इंटरव्यू दे के निकल ही रहे थे, मतलब मेरे घर से दिल्ली करीब 20 से 22 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, तो जिस दिन निकले उसके अगले दिन ही इंटरव्यू था, तो सुबह में पहुंचे, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू देने के जस्ट बाद, मतलब शाम में मेरा ट्रेन था, तो हम ट्रेन में बैठते हैं, उतने ये लोग रात में ही मेल करते हैं, मतलब जब भी कोई भी मेल आता है इन लोग का तो ज्यादातर रात में ही आता है, तो रात में 7 बजे के करीब हमको मेल आया जब हम ट्रेन में थे कि इंटरव्यू है 1 दिसंबर को। अब उसके बाद से हम वहां से घर गए, घर जाने में 20 घंटे लगा, फिर रास्ते में ही ट्रेन का टिकट करवा लिए थे, ठंडा का मौसम था, बहुत ठंडी था उस टाइम, तो ये AC का टिकट मिला नहीं, तो स्लीपर में गए, स्लीपर में 1 घंटे का रास्ता था मुंबई, वहां से 36 घंटे का ट्रेवल करके गए मुंबई, वहां मुंबई में इंटरव्यू दिए, फिर उस एक दिन दीदी के घर रुके, फिर वहां से वापस, मतलब करीब 5 से 6 दिन कंटिन्यू ट्रेवल, मतलब हालत खराब हो गया था ऐसा। तो फिर ऑफलाइन इंटरव्यू सही रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, बट बाद में यही हुआ कि जैसे ही ग्रेट का इंटरव्यू दे के निकले, तो वहां पर तो वो लोग बता दिए कि हाँ रिजल्ट पास है, IMI से मेल आ गया कि फेल हो, फिर बाद में पता चला कि मेरा इंटरव्यू अच्छा था, IMI का बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बट वो लोग का एक ड्रामा होता है, वो लोग लो PCM वाले को नहीं देते, कितना 90% PCM था के आपका? मेरा PCM कितना PCM 61% है, था? और मैथ्स में नंबर? मैथ्स में 33, उसी की वजह से तो कहीं एलिजिबल भी नहीं थे। PCM पहले, मतलब PCM मान लो 60% क्रॉस भी हो गया, तो बहुत सारे कंपनीज के रिक्वायरमेंट होते हैं कि मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स होने चाहिए, तो मैथमेटिक्स में क्रॉस नहीं हुआ, तो मैथमेटिक्स में 33 मार्क्स ही था, तो सिर्फ हम दो ही कंपनीज में एलिजिबल थे, ग्रेट ईस्टर्न में और SCI में, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास दोनों का स्पॉन्सरशिप था, हम लोग के टाइम उस टाइम IMUCET भी ऑफलाइन हुआ था, तो हम मुंबई में ऑफलाइन दिए थे, और वो पूरा महीना मेरा ट्रेजेडी वाला ही महीना था, मतलब पूरा ट्रेवलिंग कर करके ही। 16 दिसंबर को मेरा IMUCET था, उसके बाद से करीब 21 तारीख को हम घर से निकल गए वहां से, मतलब दीदी के घर रह रहे थे, तो 22 तारीख को सुबह में SCI का वो आ गया, मेरिट लिस्ट देखे, SCI के मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर था, तो मतलब वो खुशी अलग होता है कि मतलब सिलेक्शन हो गया, मतलब इतना महीना, मतलब 3 4 महीने से इधर उधर भागा दौड़ी चल रहा था, मतलब परेशान हो गए थे एकदम से। फिर उसके बाद से घर पहुंचे, फिर SCI वाले बुलाए थे, बोले थे कि 3 4 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के लिए, तो हम सोचे कि निकल जाते हैं, हम सोचे ग्रेट ईस्टर्न का कौन वेट करेगा, चले जाते हैं, अगर ग्रेट ईस्टर्न में किसी रीजन से नहीं हुआ तो ये भी यहाँ से निकल जाएगा। अभी रास्ते में ही थे, जा ही रहे थे कि ग्रेट ईस्टर्न का भी मिला गया, कि सिलेक्शन हो गया, अब वहां पे आ गए कि अब क्या करें, अब मुंबई पहुंच गए हम, बांद्रा में खड़े हैं, अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें, एक तरफ ग्रेट ईस्टर्न है, एक तरफ SCI है, किस में जाए। फिर किया अपने फ्रेंड को, तो वो बोला कि भाई मैं तो SCI में जा रहा हूँ, तू भी आ जा SCI। हम बोले नहीं, हम मेहनत जिसमें, मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत किए हैं, जिसके लिए इतना स्ट्रगल किए हैं, उसी में जाएंगे। फिर उसी टाइम ग्रेट ईस्टर्न में कॉल किए, तो ग्रेट ईस्टर्न वाले बोले कि डॉक्यूमेंट्स भेज दो, और 50,000 रुपये फी भेजना था वो भेज दो, तो डॉक्यूमेंट्स पूरा, मतलब उसी टाइम बांद्रा में ही एक कुरियर सर्विस में गए, वहां से अपना जो डॉक्यूमेंट्स, हम के बाद से 15 जनवरी से हम लोग का ज्वाइनिंग था, 15 जनवरी से स्टार्ट अपना कोर्स, यही था। तो ग्रेट ईस्टर्न आपने सेलेक्ट किया, तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करो थोड़ा। तो ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में तो मतलब मजा ही आ गया था, मतलब सब बताते हैं कि ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में उससे ऐसा पूछा गया, उसको ऐसा पूछा गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मतलब प्यार कर रहे हैं अंदर वाला बंदा, आ निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं उससे क्या पूछ रहे हैं उतने देर से, मेरा भी डर से हालत खराब कि
पता नहीं कैसा इंटरव्यू चल रहा है, इतने देर तक क्या पूछेंगे। फिर उसके बाद से वो बंदा बाहर आया, बोलता है कि जाओ सर बुला रहे हैं अंदर। हम अच्छे से गए अंदर, मतलब पूरा इंटरव्यू एटिकेट्स अपने भैया से ही सीखे थे। भैया मेरे फोन पे समझाते रहते थे कि कैसे कैसे इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो गए अच्छे से, वहाँ पे बहुत अच्छे से बिहेव किए, अंदर गए बैठे। तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ डज रेनबो फॉर्म, तो हम अभी इंग्लिश में जवाब दे ही रहे थे। तो इतने में दूसरे इंटरव्यूअर इंटरप्ट करके बोले, हाउ डिड यू गेट योर गेट 72 मार्क्स इन इंग्लिश। तो हमको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। हम बोले सॉरी सर। तो फिर बोले, मतलब इंग्लिश में ही बोले कि तुम्हारा इंग्लिश बहुत खराब है। फिर एक वर्ड, मतलब एक लाइन था जो हमको आज भी याद है और जब भी सोचते हैं तो हमको हंसी आता है। वो हमको बोले, योर इंग्लिश इज लाइक अ शिट, टट्टी है तुम्हारा इंग्लिश। फिर मतलब बुरा लगा, हम सोचे कि गया इंटरव्यू हाथ से, मतलब इतना गंदा इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश कभी बोलते ही नहीं थे, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं तो बोलने का कभी। तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछे कि मतलब इतना मार्क्स आया कैसे तुमको, पहले रीजन बताओ कि 72 मार्क्स कैसे आया। हम बोले कि राइटिंग इज डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज डिफरेंट थिंग। तो बोला ओके, तुम भी तो बिहार से ही हो ना, तो रूबी रॉय भी बिहार से थी। तो हम समझ गए कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमको। हम बोले नहीं, हम CBSE से थे, वो बिहार बोर्ड से थी। फिर उसके बाद पूछे कि अच्छा चलो बताओ तुम अपने बिहार के बारे में। तो अभी बिहार के बारे में हम एक्सप्लेन ही कर रहे थे, जैसे पहले हम बताएं ये ग्रेट अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर बताएं कि IAS IPS ऑफिसर ज़्यादा बिहार से ही है। तो बोलता और भी किसी दूसरे फील्ड में नहीं है क्या कोई। हम बोले कि महेंद्र सिंह धोनी इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। तो बोलता है कि बिहार से या झारखंड, झारखंड से। हम बोले झारखंड वॉज अ पार्ट ऑफ बिहार। फिर बोला अच्छा। फिर एक इंटरव्यू टॉन्ट मारते हुए बोले हमको कि लालू भी तो बिहार से है। हम बोले यस सर, ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज स्पीचेस। तो मतलब दो तीन लोग थे, सब हंसने लगे, जोर जोर से ठहाका मार मार के हंसने लगे। इतने में एक जोग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा था कि इंडियन जोग्राफी से रिलेटेड। तब तक एक बगल में, मेरे जस्ट बगल में एक और इंटरव्यूअर थे, वो एक मैथ्स का क्वेश्चन दिए और अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि हाँ क्वेश्चन में क्या करना है। हम अपना पेन निकाल ऐसे करके आंसर लिख के आगे बढ़ा दिए। तो वो देख के मतलब खुश हो गया कि हाँ मतलब बंदे में है थोड़ा टैलेंट। फिर बोलता है इंटरव्यू, ओके योर इंटरव्यू इज ओवर, कैरी ऑन। अब कैरी ऑन का मतलब ही नहीं पता हमको, कैरी ऑन का मतलब क्या है। तब तक दूसरा इंटरव्यूअर बोलता है ओके नाउ यू आर सेलेक्टेड, यू कैन गो। हम बोले अच्छा थैंक यू सर। निकल के गए, मेडिकल वेडिकल हुआ। फिर जब ग्रेड का मेरिट लिस्ट आया तो मेरिट लिस्ट में नाम था, तो ग्रेड में है। तो भैया जैसे किसी मर्चेंट नेवी में तो सब जाने के लिए मना करते, रिश्तेदार वगैरह, तो आपको किसी ने टोका नहीं कि क्यों जा रहे हो और ये है वो है ऐसे? अरे ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब कोई, मतलब बहुत रेयर ही होता है कोई कि जिसके रिश्तेदार आग लगाने ना आए। मतलब तो जाहिर सी बात है होगा ही। मतलब जैसे ही कोई देखता है कि मर्चेंट नेवी में, तो सबसे पहले तो आग लगाता है। मतलब मेरी अम्मी को आके, मतलब मेरी अम्मी को सब बोलता था कि बेटा जाएगा मर जाएगा, 6 महीने पानी में, 6 महीने जहाज में, ये खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फोन नहीं आएगा। तो मेरी अम्मी भी टेंशन में, बट मेरे भैया बहुत सपोर्ट करते थे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आग लगाने वाले तो आग लगाते ही रहते हैं, और रिश्तेदार का काम ही होता है यही चीज। ठीक हाँ है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमको भी थोड़ा पढ़ाई करना है। अगले संडे मिलते हैं फिर से, ठीक है? तो और देने बाकी का आपने क्वेश्चन अगले संडे। ठीक ठीक है, थैंक यू है, वेरी ठीक मच, है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक थैंक यू, है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ ऑल द बेस्ट यू टू भैया ओरल्स के लिए, यार, उड़ल, चलो ठीक बाय। है।